CSD for the people born just that. Correct awareness service. CS की शुरुआत सन 1950 ईस्वी से मानी जाती है। CS और SDIO ये किस प्रकार की सेवा प्रकार के पुस्तकालयों का काम आता है? विशिष्ट पुस्तकालय, क्योंकि ये रिसर्च से लगभग जो है सेवा आती है, ठीक है ना। अब CS क्या चीज होती है? जो रिसर्च से संबंधित जो सूचना प्रदान कराई जाती है वो चीज आती है। CS का ये आधुनिक स्वरूप जिसको हम आगे करेंगे SDIO। SDIO की शुरुआत किसने की थी? इनका किया उनका HP द्वारा। कब की थी? 1958 किसमें की थी? कीवर्ड इनकोटेक्स नाम का इनका इंडेक्सिंग सिस्टम आया था, और बात के अंदर सबसे ज्यादा क्विक का प्रयोग होता है इंडेक्सिंग के अंदर, बात आती आएगी तो वो चीज है। SDI है, जब उसको हम कंप्यूटरीकृत करेंगे तो वो SDI के अंदर आती है। लेकिन CS क्या है? तो CS और SDI दोनों विशिष्ट पुस्तकालयों का काम आता है। CS क्या होती है? रिसर्च से संबंधित जितनी जल्दी हो सूचना प्रोवाइड कराना, जिससे हमने दो प्रकार की पहले सूचना की थी, कौन कौन सी? लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज का क्या समय था? 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के अंदर डॉक्टर सारनाथ ने समय क्या यदि वो प्रोवाइड वो साधारण पाठकों थी। अब लॉन्ग रेंज की श्रेणी 30 दिन की आती है, तो ये CS वगैरह किसकी श्रेणी में आती है? लॉन्ग रेंज रेफरेंस की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। और ये प्रोवाइड कराना किस प्रकार के पुस्तकालयों का काम है? विशिष्ट पुस्तकालयों की सेवा के अंदर आता है। तो रिसर्च से संबंधित जो सेंटर बने होते हैं, जो स्पेशल पुस्तकालय होता है, इनसे संबंधित ही आता है। अब देखो ये जो सारी सूचनाएं हैं ये सारी रिसर्च से संबंधित है, ठीक है ना। CS का फुल फॉर्म होगी, CS की महत्वपूर्ण स्लाइड कौन सा है? विषय वस्तु पत्रिका सर कंटेंट स्लाइड जनरल, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों KVS ने पूछे थे। ये जो है किस प्रकार की सेवा, दोनों का उत्तर क्या था? CS है। मोटी मोटी पहचान बता देता हूँ, जो भी ये चीज पूछेगा ना उसका उत्तर CS ही हुआ। शॉर्ट रेंज के अंदर तो वो कोई टाइम नहीं, कैसी बात करेगा। जैसे पिछले थर्ड ग्रेड के अंदर पूछता था भाई आपके पास कोई पाठक आता है, वो किसी कॉलेज का आपसे जो है पूछता है, पता पूछता है, तो उसको आप कौन सी सेवा दोगे? तो वहां पर कौन से दोगे? शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस आई, वो साधारण पाठक को दे रहे हैं ये सारी। अब लॉन्ग रेंज कौन सी आती है? जो सब्जेक्ट रिलेटेड हो। लॉन्ग रेंज के अंदर कौन सी आएगी? CSI। CS को और ज्यादा आधुनिक प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, और कंप्यूटर के अंदर आता है आपका SDI। लेकिन CS के अंदर जो प्रयोग होती है ये सभी सर्विस CS के अंदर प्रोवाइड होती है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन लगभग बनता होता है, वो पूछते हैं कंटेंट वाइज जनरल किस प्रकार की सेवा, तो CS प्रकार की सेवा है। यदि वो पूछे करंट अवेयरनेस किस प्रकार की सेवा है, तो CS प्रकार की सेवा है। देखो रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन, ये 8 महीने सेवाएं आपको बोर्ड के ऊपर लिखाई है। इसमें से यदि पूछे सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन, देखो अनुसंधान प्रगति बुलेटिन। अब जो आपने जो ये भी आया था कि स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर बजट के ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा किसके ऊपर खर्च होता है? विशेष पुस्तकालय का पीरियोडिकल के ऊपर होता है। KVS का क्वेश्चन है पीरियोडिकल, क्योंकि उनको क्या चाहिए? पीरियोडिकल है अनुसंधान प्रगति बुलेटिन जो प्रकाशित होते हैं अनुसंधान पर, जिसको हम किस नाम से जाने जाते हैं? जर्नल्स के नाम से जिसको बोलते हैं, जैसे न्यूज पेपर साधारण आते, वो मैगजीन जिसके अंदर समय की वगैरह आती है वो, और इसके अलावा जो जर्नल आते हैं जो रिसर्च से संबंधित सूचना देते हैं, या बुलेटिन भी हम इसको कह सकते हैं, तो बुलेटिन से है। ये सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा शोधार्थी को यही चाहिए अनुसंधान प्रगति बुलेटिन। इसके अंदर क्या होता है, जो जो बड़े बड़े रिसर्च करने वाले हैं जिन जिन समय के दौरान उनकी जो जो रिसर्च होती है उसको मुख्य रूप से, और लगभग ये कौन सी सूचना के स्रोत आते हुए अपने प्राइमरी सेकेंडरी तृतीय तीनों की थी, ये बताओ। प्राइमरी आएंगे सारी रिसर्च संबंधित है, सारी प्राइमरी है इनको श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा अनुसंधान प्रगति बात के अंदर ये क्वेश्चन बढ़िया आया, यूनियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसकी स्थापना 3 सितंबर 1995 को कलकत्ता के अंदर डॉक्टर एस एल ओराय की अध्यक्षता में हुई थी। भारत के अंदर इस समय भारत की जो इसकी एक रचना भी आई थी, आएगी जो ये प्रकाशित करता है वो आया था, वो भी KVS का क्वेश्चन है। तो ISTIC द्वारा भारत में पुस्तकालयों से संबंधित अनुसंधान प्रगति बुलेटिन का प्रकाशन है जो किया जाता है। इसके अलावा आगामी मेलों की तुलना जो है सूचना है ये भी जरूरी होती है, क्योंकि जो रिसर्चर होते हैं उनको क्या चाहिए? आगामी सम्मेलन होते हैं कार्रवाई है जिसके अंदर होती है, सारे रिसर्चर एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, वो भी जरूरी इनके सहायक सिद्ध होता है। विषय सूची का वितरण, जो सब्जेक्ट की इंडेक्स बना के बांटना, पुस्तकालय समाचार पत्र सेवा, पत्रिकाओं का परिसंचरण और प्रेरण सूचियों का वितरण, ये सारे किस प्रकार की सेवा के अंदर आते हैं? CS प्रकार की सेवा है। इससे जो क्वेश्चन या तो इसको ये बनेगा ये किस प्रकार की सेवा है, या भारत के अंदर पुस्तकालयों से संबंधित है कौन सा जो हमें सूचना प्रोवाइड कराता है सब्जेक्ट के हिसाब से ISTIC को हम मानेंगे, ऐसे एक क्वेश्चन हो सकता है बनेगा।
ओके बात और बताता हूँ सी एस लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज एस डी एस जी किसी प्रकार की सर्विस नहीं प्रोवाइड कराती, सिर्फ सी एस सी करवाती है। ये पूछे किस प्रकार की सेवा, तो उसका उत्तर सी एस सी आएगा। ठीक है, मोटी मोटी पहचान आपको बता दी है और आज किस वाला क्वेश्चन बढ़िया।